नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप से अपहरण की गई दो बहनों को आखिरकार ट्रांजिट कैंप पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दो भाइयों समेत उनके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी दो बेटियां 20 जुलाई 2024 की रात से घर से गायब हैं। काफी खोजबीन करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। वही पूछताछ पर विक्की द्वारा बताया गया कि भाई शिवम ने दो लड़कियों में से एक लड़की से शादी कर ली है, जो वर्तमान में राजस्थान में किसी ईंट भट्टे पर काम कर रहा है। जिसके बाद टीम ने राजस्थान स्थित एक ईंट भट्टे में दबिश दी और दोनों बालिकाओं के साथ आरोपी के अलावा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल में ग्राम पंचायतों का आवश्यकता अनुसार नवगठन या पुनर्गठन कर दिया गया है। इसके तहत विकासखंड हल्द्वानी में 6 राजस्व ग्रामों को जोड़कर ग्राम पंचायत बैड़ा पोखरा को पुनर्गठित और ग्राम पंचायत बजवालपुर को नवगठित किया गया है। इसी तरह विकासखंड कोटावा की ग्राम पंचायत कालाढूंगी बंदोबस्ती के राजस्व ग्राम कालाढूंगी बंदोबस्ती और राजस्व ग्राम छोटी हल्द्वानी नगर पंचायत कालाढूंगी में सम्मिलित हो गई है। शेष राजस्व ग्राम छोरा जाली को ग्राम पंचायत पूरनपुर में सम्मिलित किया गया है और इस ग्राम को पूरनपुर नाम से पुनर्गठित किया गया है। इसी तरह ग्राम चांदनी चौक और राजस्व ग्राम झलुआ जाला बंदोबस्ती को ग्राम पंचायत देवलचौड़ में सम्मिलित कर ग्राम पंचायत देवलचौड़ का और विकासखंड रामनगर की ग्राम पंचायत दयारामपुर टांडा की राजस्व ग्राम लोकमानपुर चोपड़ा और उदयपुर चोपड़ा में सम्मिलित कर दयारामपुर टांडा उदयपुरी चोपड़ा का पुनर्गठन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण एक्ट को विचलन से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी मंत्रिमंडल में दे दी गई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। डोईवाला अभी तक सी ग्रेड की नगर पालिका थी, जिसको C1 ग्रेड में लाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। ऐसे में सरकार बहुत जल्द निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता के अनुसार उसके साथ अलग अलग समय पर 6 लोगों ने दुष्कर्म किया। इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। पिथौरागढ़ की SP रेखा यादव ने मंगलवार को इस पूरे मामले का अनावरण किया। बताया कि बीते दिनों एक व्यक्ति ने गंगोलीहार थाने में शिकायत दी थी कि कई लोगों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। अब पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।